अयोध्या में राम जन्मभूमि के निर्माण कार्य की भूमि पूजन पूरे देश में करोड़ों राम भक्त बड़े धूमधाम से मनाए। इस अवसर पर वाड़ी परिसर में ब्राह्मण सेना के पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना कर फटाके फोड़कर मिठाइयां बांटकर हर्षोल्लास के साथ छोटी दिवाली मनाई है। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रख दी। भूमि पूजन की सभी प्रक्रिया करने के बाद प्रधानमंत्री ने शुभ मुहूर्त के वक्त शिला रखी। प्रधानमंत्री ने शिला रख कर वहां भूमि पर प्रणाम किया। पीएम मोदी ने ठीक 12:44:08 से शिला रखी। इस कार्यक्रम को वाड़ी वासियों ने सीधा प्रसारण टीवी पर देख रहे थे। 12 बजे के करीब दत्तवाड़ी पूजा व्यवसाय संकुल परिसर में वाड़ी के ब्राह्मण सेना की ओर से प्रभु रामचंद्र जी का फोटो रखकर चार पंडितों के हाथों विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। मंत्र और जय श्री राम के घोष के साथ पूरी दत्तवाड़ी परिसर गूंज उठी। पटाखे मिठाइयां फ्रूट परिसर में बांटे गए। ब्राह्मण सेना वाड़ी के अध्यक्ष राजू मिश्रा ने कहा कि सालों के बाद ऐसे सुनहरा मौका आया है, इस कारण हम इस पर्व को छोटे दिवाली जैसे मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग मास्क सैनिटाइजर के उपयोग कर इस कार्यक्रम को किया गया। इस मौके पर ब्राह्मण सेना वाड़ी शहर अध्यक्ष राजू मिश्रा, सुनील पांडे, रामराज मिश्रा, अरुण त्रिपाठी, मोहन पाठक, अभिजीत राज चौबे, विजय शुक्ला, श्याम पांडे व अन्य लोग, पत्रकार विकास बंसोड मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज हमारे ऑरेंज सिटी में एक अयोध्या जैसा निर्माण यानी जो हो रहा है, अयोध्या में जो निर्माण हो रहा है वैसा माहौल हमारे ऑरेंज सिटी में आज हुआ है। पूरा ऑरेंज सिटी जगमग हो गया है और सभी से मैं निवेदन करता हूँ, सभी धर्म के लोग आज अयोध्या में पहुँचे हुए हैं। मंदिर निर्माण का जो आयोजन किया गया है भूमि पूजन में, वहाँ पर सभी धर्म के लोग और सभी जात के लोग और सभी समाज के लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं निवेदन करता हूँ सभी धर्म के लोगों से कि जैसे सब लोगों का सहयोग से आज ये भूमि पूजन का निर्माण आयोजन हुआ है, यह मंदिर हमेशा भाग्य मंदिर बने ऐसा मैं चाहता हूं। और सभी धर्म के लोग आज हमारे धर्म के साथ हैं, इसलिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। आज प्रभु श्री राम का अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण कार्य चालू हुआ है, ये तो मैंने इतिहासों में पढ़ा था कि 14 साल भगवान का वनवास हुआ था, लेकिन आज 500 साल के बाद बहुत लंबी लड़ाई के बाद आज भगवान का राम मंदिर का जो निर्माण कार्य अयोध्या में सफल हुआ, आज जो बनना चालू हो गया है, तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे हिंदू धर्म का जाता है, सनातन धर्म का जाता है। और इस कार्य के लिए पूरा देशवासियों को बधाई देता हूं। और आज जो दिवाली हम लोग नवंबर में जो मनाते हैं, अक्टूबर नवंबर में जो मनाते हैं, फिर आज एक भव्य दिवाली आज हम लोग मनाएंगे इस देश में। शाम को घी का दिया जलाएंगे और एक बड़ी दिवाली के रूप में आज ये हम लोग जलाएंगे। और ये धन्यवाद आप सभी को। आज अयोध्या में रामशिला पूजन जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए सभी देशवासियों को बधाई। ये ऐसा महान पर्व है जिसके लिए जो भी इस समय इसमें भाग ले रहे हैं और जो जीवित अपनी आँखों से देख रहे हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस क्षण को देखने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। 76 बार लड़ाइयाँ हुई हैं, युद्ध हुए हैं और 500 सालों के बाद ये दिन हमारे हिंदू समाज को देखने में नसीब हुआ है कि हम अपने प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है और जो भी विघ्न बाधाएँ थी वो सभी दूर हुई हैं। इसके लिए मैं प्रभु श्री राम की कृपा हमारे पूरे भारतवर्ष पर पड़े, हमारे राम भक्त लोगों पर पड़े और सभी पर उनकी कृपा। राम जन्मभूमि का जो समारोह हो रहा है उस अवसर पर सभी देशवासियों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज 500 साल के बाद ये जो राम जन्मभूमि का समय आया ये बहुत ही हर्ष का समय है और सभी देशवासियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आज सभी लोग एक छोटी दिवाली के रूप में दीपोत्सव जला करके इसकी बड़े हर्ष के साथ
इन बीच न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।